हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग जिस ट्रेलर का रिव्यू करने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर का रिव्यू नहीं है। यहाँ पर मैं आपको काफी सवालों के जवाब दूंगा, जैसे कि इस मूवी के जो लीड एक्टर है रक्षित शेट्टी, वो है कौन और वो कब से फिल्म इंडस्ट्री में, और वो कितनी फिल्में हिट दिए हैं, कितनी फ्लॉप्स दिए, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। उसके अलावा इस मूवी का ट्रेलर देखकर लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गए, क्यों लोग ये मूवी का वेट कर रहे हैं, और क्यों लोगों का कहना ये कि इस साल की सबसे बेस्ट मूवी होने वाली है, और ट्रेलर देख के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। तो ये सारे के सारे सवालों का जवाब दूंगा। और तीसरा सवाल ये है कि इस मूवी का ट्रेलर देखने के बाद क्यों लोगों को KGF मूवी याद आ गई, तो KGF मूवी का और ये मूवी का लिंक आखिर है क्या, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखो, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो वीडियो करे लाइक, चैनल करे सब्सक्राइब, जो साथ ही घंटा है उसे भी प्रेस कर देना जिसमें ऑल लिखा हो उसको दबा देना, क्योंकि जब लोग उसको प्रेस करोगे तो मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। और हाँ, लास्ट में आप लोगों से इतना ही बोलूंगा कि इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। रक्षित शेट्टी का जन्म हुआ था 6 जून 1983 में। वो एक एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर है। उनकी पहली फिल्म थी नाम एरिल ओंडीना, मगर वो एक फ्लॉप मूवी थी। लेकिन 2013 में आई उनकी फिल्म सिंपल अगी ओंड सुपरहिट साबित हुई। वहां से लोग उन्हें एक एक्टर के रूप में जानने लगे। फिर उसके बाद उन्होंने 2014 में एक मूवी डायरेक्ट की और उसमें एज लीड एक्टर काम भी किया। वो मूवी एक क्राइम ड्रामा थी जिसका नाम था उली डवरू कंडंत। ये बहुत लोगों ने पसंद किया और उसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला एज बेस्ट डायरेक्टर का। वो मूवी अब एक कल्ट मूवी बन चुकी है कन्नड़ा सिनेमा की। उसके बाद उनकी और दो मूवीज आई, लेकिन अब बारी थी एक ऐसी मूवी की जो उन्हें सुपरस्टार का दर्जा देने वाली थी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2016 में आई कॉलेज ड्रामा मूवी जिसका नाम था क्रिक पार्टी। वो मूवी इतनी सक्सेस हुई कि बॉलीवुड में भी रूमर्स है इसके रीमेक का, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा या कार्तिक आर्यन नजर आ सकते हैं। रक्षित शेट्टी को जाना जाता है उनके यूनिक स्टाइल से मूवी बनाने के लिए। एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायण उनके लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि 2 साल उनको लगा इस मूवी को लिखने में, पर यह मूवी उन्होंने अकेले नहीं लिखी है, कई और राइटर्स भी उनका साथ दिए हैं इस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा रक्षित की 3 और फिल्में की शूटिंग चालू है। वैसे रक्षित को अब तक 11 अवार्ड्स मिल चुके हैं फॉर बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट लिरिसिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायण की स्टोरी की बात करो तो इसमें हमें 1980s का दौर दिखने वाला है। ये एक फैंटेसी एडवेंचर एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक फिक्शनल टाउन अमरावती हम विवर्स को बताया जाएगा। इसमें रक्षित एक करप्ट पुलिस ऑफिसर का रोल निभाने वाले हैं। वैसे ट्रेलर देखकर कहानी गेस करना मुश्किल है, क्योंकि ट्रेलर को एडिट बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। शायद इसमें किसी खजाने को ढूंढते हुए बताया जाएगा या और भी बहुत मिस्ट्रियस चीज़ें देखने मिल सकती है। इस मूवी का म्यूजिक दिया है चरण राज और बी अजनेश लोकनाथ ने। ट्रेलर देखकर इतना बता सकते कि म्यूजिक की जान है, जिस तरह का BGM है वो गूज़बम्प लाता है। इस मूवी को डायरेक्ट और एडिट किया है सचिन ने, जिनकी ये एज डायरेक्टर पहली फिल्म है। इस मूवी की बजट ज़्यादा नहीं है, मेकर्स को लगता है ये इजीली रिकवर कर लेंगे। ये मूवी 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा और मलयालम। देखना यह है क्या ये मूवी एक हिट साबित होगी या फ्लॉप या एक बड़ी ब्लॉकबस्टर, ये तो वक्त बताएगा। तो दूसरा सवाल था, ट्रेलर देखकर लोगों का होश क्यों उड़ गया। देखो भाई, पहले तो ये लोगों को पता नहीं था, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हिंदी व्यूवर्स की, कि ये रक्षित शेट्टी है कौन। मुझे खुद नहीं पता था, ये सिचुएशन KGF के टाइम भी हुई थी कि यश कौन है। इस ट्रेलर की खास बात है इसमें बताया विजुअल्स, BGM, एक्टर का स्वैग और कंटेंट, जो कि आजकल मूवीज में कम ही देखने को मिलता है। और ट्रेलर को इतना बढ़िया एडिट किया है कि एक्चुअल कहानी का पता लगाना बहुत मुश्किल है। ट्रेलर आग की तरह वायरल हो रहा है और ये ट्रेलर देखकर वन ऑफ दी बेस्ट ट्रेलर मैं आप लोग से कह सकता हूँ 2019 का। और अगर आप लोग ये ट्रेलर जितनी बार भी देखोगे उतनी बार आपको गूज़बम्प्स आएंगे इसके बैकग्राउंड, इसके BGM को सुनकर, इसके विजुअल्स को देखकर, और आपको हंसी भी आएगी कुछ कुछ सीन्स को। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ दी बेस्ट ट्रेलर है 2019 का, नो डाउट। तीसरा सवाल ये था कि KGF मूवी से इसका क्या लिंक है। तो देखो, ट्रेलर के रिलीज होते ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि KGF बेस्ट है इससे।
वो इसलिए क्योंकि केजीएफ भी कन्नड़ मूवी थी और ये भी एक कन्नड़ मूवी है। केजीएफ से पहले यश को भी इतने लोग नहीं जानते थे और रक्षित शेट्टी को भी ज़्यादा लोग नहीं जानते। और केजीएफ रिलीज हुई थी दिसंबर में शाहरुख खान की मूवी जीरो के सामने, और एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायणा भी रिलीज होगी अक्षय कुमार की मूवी गुड न्यूज़ के साथ। तो इस बार तो मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को कोई अगर टक्कर दे सकता तो वो यही मूवी एडवेंचर ऑफ श्रीमान नारायण। इसीलिए अब मुकाबला टक्कर का हो गया है। जिस हिसाब से ट्रेलर को रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये कह सकते हैं कि ये मूवी साल की मच अवेटेड मूवी बन गई है, और क्या पता ये भी कन्नड़ा सिनेमा की एक यादगार मूवी साबित हो केजीएफ की तरह। यार मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और मैंने ये ट्रेलर को अनगिनत टाइम देखा हूँ, और जब भी मैं ये ट्रेलर को देखा मुझे गूज़बम्प्स आ गया। हालांकि इसमें हॉलीवुड टच काफी साफ तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जो इसका साउथ का जो एक खूबसूरती है, साउथ वालों की बनाने के जो तरीका है वो कुछ ज्यादा ही झलक रहा है, और साउथ और वेस्ट दोनों का मिक्स लग रहा है मुझे ये फिल्म। ये फिल्म मैं जाके देखूंगा 2 वजह से, एक तो रक्षित शेट्टी, दूसरा इसका बीजीएम और उसके कॉन्सेप्ट की वजह से। अब देखना है कि ये मूवी कितनी ज्यादा अच्छी होती है और क्या ये मूवी भी केजीएफ का रिकॉर्ड तोड़ती है, वो तो पता चलेगा 28 दिसंबर को। फिलहाल तो हम लोग सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। तो बस मैंने इस वीडियो में कोशिश की आपको रक्षित शेट्टी के बारे में बताने में, केजीएफ से इस मूवी का क्या लिंक है और ट्रेलर देखकर लोगों को क्या रिएक्शन है, सब कुछ मैं बता क्यों है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया, आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो इस वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब, और आपने अगर अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो की लिंक को अपने कॉन्टैक्ट में जरूर शेयर करना। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। धुआं में याद रखना और अरहान एंटरटेनमेंट को हमेशा इस तरह सपोर्ट करते रहना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो। तो वीडियो बड़ी होगी उसके लिए मुझे माफ करना। बाय।